हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले बहुत ही हेल्दी स्नैक्स अरबी या कुचे के पत्ते से, इसे गुजराती में पात्रा भी कहते हैं। ये एक महाराष्ट्रियन और गुजराती डिश है। इसके लिए मैंने लिया है अरबी के पत्ते, इसे कुचे के पत्ते या अड़ू के पत्ते भी कहते हैं, मराठी में इसे अड़ू के पत्ते कहते हैं। ये फ्रेश है, अभी इस सीज़न में ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है 1 कप बेसन और आधा कप चावल का आटा। आप चाहो तो सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं, पर सिर्फ बेसन से बनाने से उतनी क्रिस्पी नहीं रहेंगे। उसके अलावा मैंने लिया है हल्दी, मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हींग, इमली, इसे मैंने भिगो के रख दिया है। और ये है गीला नारियल, इसे हम लोग घिस के गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये हैं करी पत्ते। उसके अलावा गुड़, सरसों, जीरा और 2 टीस्पून तिल्ली है और तेल। सबसे पहले हम लोग इमली को, मैंने इसे पहले से भिगा लिया था, इसका हम लोग पल्प निकालेंगे। इमली की जगह आप चाहो तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने डाला है बाउल में बेसन और चावल का आटा डाल के, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बाकी की चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, थोड़ा सा हल्दी हम लोग तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा मिर्च पाउडर और अजवाइन को मैं क्रश करके डाल रही हूँ ताकि गले में कोई खराश ना हो। अब मैं डाल रही हूँ हींग, ये 1/4 टीस्पून है डाल के। अब मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। ये जो अरबी या कुचे के पत्ते, उसमें खट्टा डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ गले में खराश हो सकता है। अब मैंने डाला है थोड़ा सा गुड़ ताकि खट्टा मीठा चटपटा एकदम अच्छा लगे। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप इमली नहीं पसंद करते हो तो आप दही डाल सकते हो या एक नींबू भी निचोड़ सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें एकदम अच्छे से स्मूथ बैटर बनाना है। अगर बैटर ज़्यादा पतला रहेगा तो पत्तों में से निकल जाएगा, और गाढ़ा रहेगा तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा पानी डाल दिया, अराउंड 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमारा बैटर एकदम स्मूथ और परफेक्ट रेडी है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब इसको साइड में रख के हम लोग पत्तों को करते हैं कटिंग। कटिंग मीन्स इसका जो पीछे का डंडी है उसे हम लोग काट के साइड में करेंगे। इन पत्तों को काटने के बाद ये डंडियों को फेंकना नहीं है। इसका आप या तो चटनी बनाओ या इनको बारीक चॉप करके बेसन के बैटर में डाल के भजिए बनाओ, बहुत टेस्टी लगेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी विटामिन्स भी हैं। अब सारे पत्ते इसी तरीके से काट के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम करते हैं आगे का प्रिपरेशन। अब हम लोग एक एक पत्ता लेंगे, एक एक पत्ता लेके इसमें हम लोग बैटर लगाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है एक पत्ता, एक पत्ता लेके अब हम लोग इसको उल्टे साइड से बेसन का बैटर लगाएंगे। सीधे में नहीं लगाना है, उल्टे में लगाने से बेसन अच्छे से लगता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा बेसन का बैटर डाल के एकदम अच्छे से इवनली सब तरफ फैलाएंगे। स्पून से उतने अच्छे से नहीं होता, इसलिए हाथ से लगाओ तो बेटर रहेगा। अभी मैंने बेसन थोड़ा थोड़ा लेके पूरे पत्ते में अच्छे से लगा दिया है। अब मैं एक और पत्ता ले रही हूँ, एक और पत्ता लेके इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पहले जैसे मैंने रखा उसके एकदम अपोजिट ऐसे रखना है। रख के अब इसके ऊपर भी हम लोग बेसन का बैटर लगाएंगे। ऐसे करके एक के बाद एक हमें पूरे 5-6 पत्ते लगाने हैं ताकि हमारा जो रोल है वो मोटा बने। अब मैंने इसके आगे फिर से उसके अपोजिट डायरेक्शन में पत्ता रखा है। रख के अब मैंने इसके ऊपर भी बेसन का बैटर लगाया। बेसन का बैटर लगा के अब मैं एक और पत्ता रख रही हूँ। ये जो वड़े हैं बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ये रोल जो हम लोग कर रहे हैं, पर बनाने के बाद इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन पत्तों में हेल्दी विटामिन्स हैं। इनको बना के आप बच्चों को दो, बड़ों को दो, सभी को दो, बहुत अच्छा लगता है। इसके वड़े ही नहीं, मतलब ये जो पात्रा है यही नहीं, आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब सारे पत्तों में लगा के मैं इसको ऐसे उठाते हुए रोल कर रही हूँ। मैंने एक रोल बनाने के लिए 6 पत्तों का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पत्ते मीडियम साइज़ के। अगर बड़े पत्ते रहेंगे तो 3 पत्तों में भी हो जाएगा। अगर आपके पत्ते इससे छोटे हैं तो आप ज़्यादा पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पात्रा है उसका रोल किस साइज़ का बनाना है। ये बन चुका है, इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बना के रेडी कर लूँगी। मैंने फिर से पत्ते लेके सेम उसी तरीके से बना लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई रखा है, उसमें एक छन्नी रखा है, उसमें ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ताकि पकने के बाद ये जो पात्रा का रोल है कुचे के पत्ते का कढ़ाई में या छन्नी में चिपक ना जाए। अब हम लोग सारे रोल इसमें डाल के ढक्कन लगा के हम इसको 10 मिनट तक स्टीम में पकने देंगे, या तब तक जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता है।
मैंने 10 मिनट बाद चेक किया है, आप एक बार चेक करके देखना। अगर आप हाथ से टच करोगे तो हाथ में चिपचिपा नहीं लगना चाहिए, ये चिपचिपा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये बन के रेडी है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब ये रोल ठंडे हो गए, काटने के लिए एकदम रेडी है। पहले मैंने कॉर्नर से काट लिया, काट के साइड में कर दिया। अब जिस साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ के आप इसको कटिंग कर लेना। आप कटिंग करने के बाद देख सकते हैं ये अंदर से कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब इसी तरीके से हम लोग सारे रोल कटिंग कर लेंगे। सारे रोल कटिंग करके अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। अब मैंने रखा है एक पैन, इसमें मैंने डाला 3 टेबलस्पून ऑयल, उसके बाद जीरा, सरसों और तिल्ली डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती का स्ट्रिप डाल के, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। तड़का लगाने के लिए आप इसमें और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सूखी मिर्च, या वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। डाल के अब मैं इनको थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी सूखे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, हल्दी के बाद थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डालने के बाद इसमें आप लोग डाल रहे हैं हमारे कुछ पत्ते के रोल्स, जिसे पात्रा भी कहा जाता है या अड़ूवड़ी भी कहा जाता है। डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय हमें ध्यान देना है कि एकदम ज़ोर ज़ोर से नहीं मिलाना है, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे और इनका शेप बिगड़ जाएगा। हल्के हाथों से मिला के आप चाहो तो कढ़ाई को पकड़ के इस तरीके से हिलाना, ऐसे करने से ये जो वड़ी है वो टूटेंगे नहीं। अब हल्के हाथ से पलटते हुए हमें 10 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए क्रिस्पी होते तक इन्हें सेकना है, इस तरीके से हिलाते हुए क्रिस्पी होते तक। अब हमारे सारे वड़ी बनके रेडी है। मैंने कर दिया गैस का फ्लेम ऑफ, गैस का फ्लेम ऑफ करके अब मैं इसे करूँगी सर्व। सर्व करने के बाद मैं इसको गार्निश करूँगी फ्रेश कोकोनट और हरा धनिया के साथ, और इसे सर्व कर रही हूँ टमाटो सॉस के साथ। ये आड़ू वड़ी एज अ ब्रेकफास्ट, टी टाइम स्नैक्स या स्टार्टेड आप सर्व कर सकते हो। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी पात्रा आड़ू वड़ी या कोचे रोल बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।